करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 6 जनवरी 2024 साल का पहला वीकली एनालिसिस है और ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक जो मेजर इवेंट्स था आपका एफओएमसी मिनट्स था एंड कल के दिन पे आपका एनएफपी डेटा था। आप सभी को पता है मिनट्स में क्या क्या बताया गया है और कल का एनएफपी डेटा में क्या आउटकम आया। हमारा यहाँ पे फोकस मेनली रहेगा प्राइस एक्शंस पिछले हफ्ते में कैसा बिहेव किया एंड व्हाट नेक्स्ट, यानी इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स जो था 2 जनवरी को 103.3540 लेवल से जर्नी चालू किया, ऊपर में आपका 103.10 लेवल तक गया, फाइनली क्लोज दिया आपका 102.43। वीकली बेसिस पे एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है बट प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड। सो ड्यूरिंग द वीक जो भी डेटा आया वो डॉलर पॉजिटिव था, ये हो गया पिछले हफ्ते का जो हो गया। अभी व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में ये जो बुलिश कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पे डॉलर को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे वीकली बेसिस पे, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन एट ए सपोर्ट लेवल ऑन ए वीकली पर्सपेक्टिव। आरएसआई वीकली इज आल्सो ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 40। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑल्दो पिछले महीने में दिसंबर महीने में हमने एक डॉलर नेगेटिव कैंडल देखा हमने मंथली पर्सपेक्टिव पे, लेकिन अभी एक पॉजिटिव बायस दिखाने का प्रयास कर रहा है विच इज अगेंस्ट द मेजर मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट में क्या है, रेट कट होंगे एंड रेट कट के कारण डॉलर वीक होना चालू करेगा, लेकिन ये जो पैटर्न है ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इन कंपैरिजन टू द दिसंबर मंथ का जो प्राइस एक्शन था। क्या ये इस मॉर्निंग स्टार को सक्सेसफुली मीन्स आउटकम देने लायक है? उसके लिए हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है पहला वाला है आपका 102.50 से 102.65 जो कल टेम्पोररीली ब्रीच किया लेकिन सक्सेसफुल हुआ नहीं। क्या इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा? अगर रेस्पेक्ट करता है तो अगेन इट विल ट्राई टू टेस्ट द पिन बार जो आपका 25th दिसंबर वीक का जो कैंडल बनाया हुआ है उसका आपका लो जो है वो है 100.60, उसको टेस्ट करने का प्रयास करें। इन केस इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं इन सच ए केस हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो है 104 से 104.20 लेवल्स का। ये यहाँ पे आते हैं या नहीं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अगले हफ्ते यानी मंडे ऑनवर्ड्स इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी आते हैं डॉलर रुपी, डॉलर रुपी में नथिंग मेजर, कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन में ही चल रहे हैं, बेसिकली ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास है। अभी देखो ये अभी दिखा रहा है 83.10 के आसपास। सो आप अगर यहाँ पे मंडे को सेल करने जाओगे क्या पता? Invisible hands, yeah, oil company, oil marketing companies will start buying and again taking the dollar rupee towards 83.25, 83.30. Jab tak clarity nahi aata hai, frustration will prevail as far as the dollar rupee price is. Also, invisible hands ko apna range bound dollar rupee move dene ka mauka mil gaya hai. Jab tak is range ke bahar nahi nikalte hai. एंड इनविजिबल हैंड्स का स्पेशल मीन्स नया स्ट्रेटेजी नहीं बनते तब तक हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, एक रेंज के अंदर में है, उसी रेंज के अंदर में आप इंट्राडे में प्ले आउट कर सकते हो। यू कैन प्ले फ्रॉम द लॉन्ग साइड एज वेल एज यू कैन प्ले फ्रॉम द शॉर्ट साइड। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर जो आपका वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 1.2715। यहाँ पे प्राइस ड्यूरिंग द वीक कैसे बिहेव किया, ये था आपका 2 जनवरी का एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल जिसको 3 दिन के प्राइस सेक्शन लगा इस
सेकेंड जनवरी का मिस सेलिंग बायस को पूरा का पूरा मिटिगेट करने के लिए। सो तीन दिन यानी 3rd जनवरी, 4th जनवरी एंड 5th जनवरी, तीन दिन वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, तीन दिन लग गया ये मंगलवार का प्राइस एक्शन को पूरा का पूरा निगेट करने के लिए। अभी वीकली कैंडल अगर हम देखेंगे, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है जहां पे लोअर एंड पे शेडो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द हायर एंड, यानी व्हाट इट इंडिकेट्स, वो इंडिकेट से पहले हम देखेंगे आरएसआई, वीकली आरएसआई एट 60। सो इसको अगर ऊपर जाना है तो आरएसआई 60 के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। क्या ये होता है मंडे ऑनवर्ड्स, ये हमें देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये साइडवाइज टू हल्का सा नेगेटिव बायस दे सकते हैं। अगर एक बार 60 के ऊपर चले जाते हैं तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है। अभी नेक्स्ट लेवल क्या है, ये जो स्पिनिंग टॉप पिछले हफ्ते का कैंडल है इसके हाई के ऊपर हमें कंटिन्यूशन मिलने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। हम नहीं बोलेंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग हायर इज मोर। ये कौन सा लेवल है आपका 1.2771 यानी 1.2780 के ऊपर एक हायर बायस हम देख सकते हैं। जो ये जो आपका ट्विजर टॉप 10th जुलाई एंड 17th जुलाई का हाई है, कौन सा लेवल है 1.3258 यानी 1.3260, उस लेवल पे जाने का प्रोबेबिलिटीज हम देख सकते हैं। उसके लिए क्या देखना है, बेसिकली ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है इस कंसोलिडेशन को तोड़ के ऊपर की तरफ प्राइस को जाना पड़ेगा। अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर, आपका जीबीपी आईएनआर का जो प्राइस एक्शन है वह वो भी आप देखोगे 2nd जनवरी को जो नेगेटिव बायस बनाया था उसको तीन दिन लग गया पूरा का पूरा भरपाई करने के लिए, फिर भी 100% भरपाई नहीं हुआ है। वीकली कैंडल स्पिनिंग टॉप यानी पॉज, आरएसआई एट 59.6, हमें देखना है क्या ये आरएसआई 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं तो प्राइस थोड़ा सा नेगेटिव डैम्पन हो जाएगा। अगर सपोर्ट 60 में लेके ऊपर की तरफ जाता है तो आपका ये जो 10th जुलाई का हाई है उसके तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटी यानी 108 के आसपास। उसके लिए ये जो डेली कंसोलिडेशन है उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जो वीकली कैंडल पे हमारा स्पिनिंग टॉप है हाई के ऊपर फर्दर अपवर्ड कंसोलिडेशन मीन्स अपवर्ड मूव एंड लो के नीचे थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एनालिसिस वीकली प्राइस एक्शन को देखिए। अभी आते हैं यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में लेकिन प्राइस रिगेन करने का प्रयास किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो 2nd जनवरी का एक सेलिंग बायस था वो पिछले तीन दिन में वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को उसका भरपाई कर नहीं पाया। रेदर ये आपका 2nd जनवरी का जो क्लोजिंग था उसके आसपास आके क्लोज किया। व्हाट इट मींस, यूरो डॉलर इज कंपैरेटिवली वीकर देन जीबीपी डॉलर। ये कल का जो डेली कैंडल है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, इट्स अ पॉज कैंडल, लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यू, हाई के ऊपर अगेन थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अभी वीकली कैंडल पे देखेंगे, ये एक नेगेटिव वीकली कैंडल बनाया हुआ है विद प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड, RSI taking resistance at 60. What it means? यहाँ पे ये higher level पे resistance मिलने का बहुत ज़्यादा probabilities है। So यहाँ पे थोड़ा सा negative bias के लिए Monday onwards हम खेल सकते हैं। Euro INR जो weekly close दिया है वो है आपका 90.94, जो मंगलवार को price damage किया था from आपका 91.93 लेवल से, ये लो मारा था कल के दिन में 90.58। ये मंगलवार का जो प्राइस डैमेज था वो वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को रिकवर कर नहीं पाया। सो जीबी यूरो आईएनआर इज कंपैरेटिवली वीकर देन द जीबीपी आईएनआर, क्योंकि जीबीपी आईएनआर में आप देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट रिगेन किया है, मोर देन 50% रिगेन किया, व्हेयरएज ये फ्लैट मंगलवार के क्लोज के नीचे क्लोज दिया, यानी यहाँ पे बायस जो है थोड़ा सा सेलिंग बायस है। प्लस यहाँ पे यूरो डॉलर का जो यूरो आयनर का जो डबल टॉप बना है जुलाई में एंड दिसंबर एंड में 25 दिसंबर को, ये डबल टॉप आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस नियर 60 एंड ट्राइंग टू
all further. So यहाँ पे हम अगर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में ये ड्यूरिंग द वीक हमने क्या देखा, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ। ये आपका 2 जनवरी का जो लो है 141 से ये 146 तक अपमूव किया, उसके बाद ये 146 लेवल पे रेजिस्टेंस लेके अभी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया। कल का एनालिसिस, मॉर्निंग एनालिसिस, प्री मार्केट एनालिसिस आप अगर देखोगे तो कैंडल जब यहाँ पे था तो हमारा ये एनालिसिस था कि इमीडिएट जो हमारा रेजिस्टेंस है 146 वहीं पे सलाम ठोक के नीचे आया है। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रॉपर एनालिसिस, मींस जो सपोर्ट लेवल का। अच्छा जो भी हो ये तो हो गया है, व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे ऑनवर्ड्स में हम देखेंगे कि वीकली पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल है, दैट मींस बायस मंडे ऑनवर्ड्स एक पॉजिटिव रहना चाहिए, अनलेस डेली बेसिस पे एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस ना हो। अगर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस होते हैं देन बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक डॉलर येन विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव। अदरवाइज यहाँ पे जो आपका डेली स्पिनिंग टॉप है उसके हाई के ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको भी अगर तोड़ फोड़ के ऊपर जाते हैं तो एक फर्दर बायस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स ये लेवल 147.30। सो मंडे ऑनवर्ड्स हमें प्राइस को देखना है कि ये लोअर है लोअर लो बना रहे हैं ऑन लोअर टाइम फ्रेम 30 मिनट्स 1 आवर जो भी आप टाइम फ्रेम देख सकते हो, एंड या ये हायर आए हायर लो बना रहे, अकॉर्डिंगली हमारा बायस मींस ट्रेडिंग बायस हम डिसाइड कर सकते हैं। येन आईएनए पिछले हफ्ते एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, ये जो नेगेटिव कैंडल बनाया है उसका लोकेशन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे ये नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, यानी आने वाले दिनों में जब तक इसको तो नहीं तोड़ते, सेल ऑप्टिक्स में भी कॉन्सेप्ट उसको नहीं तोड़ते हैं, ये 59 से 59.70 का एक नेगेटिव जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसको कन्विंसिंगली ऊपर की तरफ तोड़ नहीं देते तब तक यहाँ पे एक सेलिंग बायस, सेल ऑप्टिक्स का बायस हम एक देख सकते हैं। लेकिन डेली में अगर प्राइस एक्सचेंज को देखेंगे कल एक पिन बार बनाया, यानी कल के जो हाई के ऊपर अगर मंडे ऑनवर्ड्स हम देखते हैं तो एक हल्का सा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा जो आपको वीकली पे सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटी देगा। ये हो गया डॉलर येन आईएनएस। अच्छा यहाँ पे वीकली का जो नेगेटिव कैंडल है, सो यहाँ पे जब तक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस रहते हैं तब तक कौन सा लोअर हाई लोअर लो, ऐसा करके जब तक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस डेली एक्शन पे रहते हैं या आवरली पे या 30 मिनट्स में, तो आप सेलिंग बायस के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है ऐसा करके तो हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेलिंग का जो क्वांटिटी होगा वो आपका नॉर्मल क्वांटिटी है जो भी क्वांटिटी है, लेकिन बाइंग के लिए आधा क्वांटिटी होगा, यानी हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए डॉलर कैंडी में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन जो 1.3380 से 1.3410 का था वहीं पे सलाम होगा, एक पिन बार बनाया हुआ है। व्हाट इट मींस पिन बार या स्पिनिंग टॉप एक पॉज कैंडल है, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन लो के नीचे हल्का सा सेलिंग, तो क्या होता है मंडे ऑनवर्ड्स ये हमें देखना पड़ेगा। अभी ऑसी डॉलर, ऑसी डॉलर भी आपका एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, कहां पे बनाया दैट इज इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस जोन पे 6870 से 6900 वहां पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशंस बना, और डेली में अगर हम देखेंगे एक स्पिनिंग टॉप, इसका मतलब पॉज कैंडल, हाई के ऊपर हल्का सा बाइंग प्रेशर, लो के नीचे सेलिंग कंटिन्यू। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा तभी जाके सेलिंग करके आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज सेल ऑप्टिक्स आप देख सकते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड 1-2-4 दिन के लिए। RSI वीकली जो है वो रेजिस्टेंस 660 में लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है, अगर ये नेक्स्ट वीक में
इस ट्रेंडलाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं इन सच ए केस. इन सच ए केस एक सेलिंग बायस हम देख सकते हैं. और एक स्पेशल फीचर ये जो वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं, क्या देखा? सैंडविच कैंडल्स. क्या है? ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, सैंडविच. जो ब्रेड सैंडविच हम खाते हैं वो वाला सैंडविच. फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, सैंडविच. जो सैंडविच किया तो मार्केट ऊपर गया. अभी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, हाँ यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. अगर नेक्स्ट वीक में आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाते हैं, इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल, सो अगेन एक सैंडविच कैंडल बनेगा इन सच केस. उसके बाद वाले हफ्ते में हम बाइंग प्रेशर के लिए देखने का प्रयास करेंगे. होप यू अंडरस्टूड द एग्जिस्टिंग पैटर्न, क्या कैसे बिहेव करें. अगर अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट मंडे ऑनवर्स एक सेकेंड नेगेटिव कैंडल बनाते हैं इन सच केस, ये जो अपवर्ड बायस है ये हल्ट हो जाए. ये हो गया ऑसी डॉलर का. अभी आते हैं सीएनएच में. सीएनएच में ये जो वीकली क्लोज दिया है 7.16 पे, ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे मींस ये जोन पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर गया. जो हाई मारा था 7.1740 तक, उसके बाद हमारा जो टारगेट था 7.20. अभी हमें देखना है अगले ऐसे यहाँ पे ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट का क्या मंडे को एक पॉजिटिव कैंडल मिलता है इन सच केस, ये 7.20 हमें जल्दी ही मिल जाएगा. इस टाइप का अगर कैंडल बनते हैं तो वीकली में भी एक स्ट्रॉन्ग बायस है. सो बाय डिप्स हम अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं. अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड. ब्रेंट क्रूड का जो आपका वीकली कैंडल है वो जो क्लोज दिया हुआ है वो 79.40, यहाँ पे एक तीन बार कैंडल बनाया हुआ है. यानी प्राइस यहाँ पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इस जोन पे पिछले 5 हफ्ते से, यानी सवा महीना डेढ़ महीने से ये स्ट्रगल कर रहे हैं इस लेवल पे फर्दर डाउन करने के लिए. ना ये नीचे जाने का प्रयास कर रहा है, मसक रहा है, ना ऊपर बाउंस बैक करने का वो हो रहा है. तो दैट मीन दैट इज हमें आने वाले हफ्ते में ये फोकस करना है क्या इस जोन को ये कैसे ट्रीट करते हैं, क्या ब्रेकडाउन करते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं. अगर डेली चार्ट में देखेंगे तो प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है. अभी अगर ये तोड़ता है तो एक ऊपर की तरफ बायस देखेंगे, अगर नीचे की तरफ आने का है तो अगेन सपोर्ट टेस्ट करेगा. सो यहाँ पे व्हाट इट मींस, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, दैट मींस व्हाट, एक कॉन्फ्यूजन एरिया है. यानी यहाँ पे हम क्लियरली नहीं बोल पाएंगे कि ये ऊपर ही जाएगा या ये नीचे ही आएगा. ये कॉन्फ्यूजन जोन है, यानी काफी कॉन्फ्यूज करेगा. अभी यूएस 10 ट्रेजरी में आपका ये जो वीकली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है, सपोर्ट 640 पे सपोर्ट लेके वीकली ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं. तो यहाँ पे दो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, एक है 410 411, दूसरा वाला है 426 420 431 का. ये जो दो जोन को आने वाले हफ्ते में कैसे बीए टैकल करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा. ऐसे भी काफी रनडाउन हो गया है एंड अभी थोड़ा सा पुल बैक के बाद ही एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं. यूएस 2 ईयर ट्रेजरी, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग नॉट स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, लेकिन प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर एंड काफी ज्यादा है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे जो प्राइस कंसोलिडेशन है इसको हमें थोड़ा सा देखना है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हैं या नहीं. अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते तो हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है ये जोन है, कौन सा, 3.81 से 3.94. और ऊपर की तरफ हमारा दो रेजिस्टेंस जोन है, एक है 4, एक है आपका ये 4.45, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा ये वाला, कौन सा है, 4.74. यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं इन सच ए केस, ये एक अप मूव दे सकते हैं व्हिच मे टेक डॉलर आल्सो टू द हायर टेरिटरी. देयर बाय जीबीपी डॉलर में वीकनेस आ सकते हैं, यूरो डॉलर पे भी वीकनेस आ सकते हैं एंड ऑसी डॉलर में भी वीकनेस आ सकते हैं, डॉलर ये में पॉजिटिविटी आ सकते हैं. सो हमें देखना है ये ट्रेजरी यील्ड
इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है एंड टू ईयर भी इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है. इन सच केस डॉलर में एक अपमूव हम एक्सपेक्टेशन एंड अकॉर्डिंगली अपने ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस ले सकते. सो करेंसी वीकली एनालिसिस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ 2024 यहीं तक है. आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीकेंड. बाय बाय.